संत निरंकारी मिशन देश की 75वीं वरेगंढ मौके देश नूं एक वधिया ते शानदार तोहफा देण जा रहा है। देश विच 75 थावां ते सरकारां दे सहयोग नाल थावां दी चोण करके उन्हां शहरी खेत्रां अंदर जंगल विकसित कीते जाणगे तां जो गुरुआं पीरां अते कर्मयोगियां दी धरती भारत नूं भविख विच आक्सीजन दी घाट दा मुड़ सामना ना करना पवे। 15 अगस्त 2021 दिन आज़ादी वाले दिन मिशन इस मनुखती भलाई वाले काम की शुरुआत करेगा। स्थानक फरीदकोट रोड से स्थित संत निरंकारी मिशन आश्रम कोटकपुरा विखे अज विशाल खूनदान कैंप आयोजन करके 100 यूनिट खूनदान इकट्ठे करने का टीचा मिता गया। ब्लड बैंक कोटकपुरा के इंचार्ज डॉक्टर रमेश सरदूल की अगवाई हेठ उन्होंने टीम ने खून इकट्ठा किया। इस मौके संत निरंकारी मिशन ने नवी दिल्ली के मैंबर इंचार्ज SS चावला अते बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज फरीदकोट के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर उचेचे तौर पर उपमंडल मजिस्ट्रेट कोटकपुरा डॉक्टर निर्मल उसपेंशन अपनी नियुक्ति तो बाद इस पलेठी समागम में उचेचे तौर पर शामिल हुए। लीनियत हैं जो रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए, हम सबका एक ही मिशन है कि यदि हम मानवता की सेवा कर सकते हैं तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो अकाल में हो या निराकाल में। Actually, my first public program in Kotkapura. So, actually, I was thinking like I am here all of them are telling, I'm from Kerala, so they are telling Kerala is highly educated state. So, there is a story behind that, how Kerala progressed. So, Kerala was a very backward state, very backward in the sense like people were not educated. Casteist and no development. सर आपने बहुत खुला टाइम निकाल के बहुत लंबा समय हमारे बीच में एक यंग ऑफिसर हमारे बीच में आए हैं तो सेवा करने के लिए हमारे शहर के हमारे से सहयोग का बहुत शुक्रिया सर। पूरा निरंकारी मिशन की ओर से जो आज ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन कैंप जो आज ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें हमारे सारे जोन के जो कि 5 स्टेट्स हैं उसमें SS चावला जी आए, मेरे को बड़ी खुशी है इनसे मिलने की। और मेरे को इस बात का ज्ञान है कि निरंकारी मिशन ने काफ़ी 1986 से ये एक धारणा बनाई है कि जो खून है वो देश की नालियों में नहीं परंतु मरीजों की या लोगों की नाड़ियों में घूमना चाहिए। वो तो किसी तरह की भी जो वायलेंस हो उससे खून निकलता है तो वो खून ऐसे व्यर्थ होता है, तो इस खून की पवित्रता को प्रयोग करने के लिए ही ब्लड डोनेशन किए जाते हैं और ये निरंकारी मिशन की एक एक्टिविटी है। और मेरे को भी अभी बताया है कि 75th ईयर ऑफ द कंट्री में हमने ये बात सोची है खास करके निरंकारी मिशन ने कि हम अर्बन क्लस्टर्स ऑफ जंगल्स क्रिएट करें। मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम भूटान है जिसमें 36% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द प्लांट्स और हमारे देश में तो कम ही है। एक शहर है मेरे ख्याल शायद चंडीगढ़ में होगा जो 36% लैंड कवर्ड हुई है प्लांट्स के साथ, पर उसके जो नुकसान हो रहे हैं हमारे देश में जो हम देख रहे हैं पोल्यूशन कितनी हो रही है उसको दूर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम कार्बन नेगेटिव कंट्री तैयार करें जो कि भूटान में भी है। उसका एक तरीका यही है कि हम अर्बन पॉपुलेशन जहां रहती है वहां पे हम ये जंगल क्रिएट किए जाएं ताकि वो जंगल से हमें ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजन से हमें इंटरनल जो बीमारियां हैं वो ना हो सके, डॉक्टरों की जरूरत ना पड़ सके। और साथ साथ जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है निरंकारी मिशन है या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है जो भगवान के साथ हमें जोड़ती है इसके माध्यम से स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से हमें इंटरनल क्लीननेस इंटरनल सफाई भी होनी चाहिए और बाहर से सफाई हमारी हो जाएगी
हमारे जो मिशन ने ये मुद्दा उठाया, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि क्योंकि एक जिस समय सारे दुनिया की ये बात हो रही थी तो उसमें सिर्फ भूटान देश एक ऐसा था जिसने ये कार्बन नेगेटिव की बात कही है, और यदि हमने इसको माना है और ये इसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल इससे बड़ा अच्छा और भी कोई उपचार नहीं हो सकता। जैसे सारे संतरकारी सत्संग भवन कोटपुरा विच खड़े हाँ, जिथे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की कृपा के नाल खूनदान कैंप का आयोजन किया गया है। इस विच असी तकरीबन 100 के करीब ब्लड यूनिट्स डोनेट कर जा रहे हैं, और संतकारी मिशन अनेक प्रकार के सोशल एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम निभाता आ रहा है। कोई नेचुरल कलैमिटीज़ आई हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा पाया गया कि हम एक अर्बन क्लस्टर ऑफ ट्रीज के नाम पर जिसको हम शहरी जंगल कहते हैं, शहर के लोगों को ऑक्सीजन फ्री में मिले, एक नेचुरल कंसंट्रेटर बने, लोगों को एक अच्छा वातावरण मिले, प्रदूषण अंदर बाहर जो हमें नुकसानदेह होती है कीपिंग मिशन टच, तो कैसे 75 प्लेसेस पर ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ द कंट्री मिशन की तरफ से हम मिनिमम 75 प्लेसेस एवरी प्लेस 100 ट्रीज से कवर करके उसकी देख रेख करनी, उसकी संभाल करनी फॉर एवर, ताकि ये सप्लाई निरंतर जारी रहे, ऐसा भी योगदान दिया जाए।